वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताना वाला हूँ हाउ टू क्लियर नेवी एमआर एग्जामिनेशन। तो कैसे क्लियर कर सकते हैं नेवी एमआर एग्जामिनेशन, क्या इसमें दिक्कत आने वाली है आप लोगों को, और कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। तो आप ये वीडियो अच्छे तरीके से पूरे देखिए, तो आपको इसके बाद जो नॉलेज होगा तो आपका जो मोटिवेशन रहेगा वो हाई होने वाला है। मैंने 3 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसके बारे में भी आप लोगों को पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ। तो देखिए, यदि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है तो एक बात याद रखिए, जैसे हमारे देश में देखिए कितने सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, सबका एक अलग अलग विशेषता है ना। किसी का कुछ विशेषता है, किसी का कुछ विशेषता है, किसी का कुछ विशेषता है, तो सारे जगहों का विशेषता एक जैसी नहीं हो सकती है, पहली बात। तो वैसे ही सारे स्टूडेंट का माइंड एक तरीके का नहीं हो सकता है, सबके माइंड में अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। तो किसी का पढ़ने का तरीका कुछ अच्छा होता है, किसी का माथा यानी जो माइंड होती है कुछ ज़्यादा तेज़ चलती है, किसी की स्लो चलती है। बट इन सभी का केंद्र बिंदु एक ही चीज़ होना चाहिए, वो क्या है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, मेहनत और उसके ऊपर फोकस, लगन, उसको प्राप्त करने का क्षमता, केंद्र बिंदु उसका एक ही है, बाकी सब चीज़ अलग हो सकती है। एक पढ़ने वाला बंदा हो सकता है कोई चीज़ को समझने में 2 घंटा ले, क्या 2 घंटा ले एक चीज़ को करने में, यदि उसको कम पढ़ने वाला लड़का 4 घंटा ले तो वो चीज़ को वो भी हासिल कर सकता है, और एक बंदा जो एवरेज है वो 3 घंटा ले तो वो भी वो उस चीज़ को हासिल कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, तो उसको 4 घंटा पढ़ना होगा, उसको 3 घंटा पढ़ना होगा, मेहनत तो ये भी कर रहा पर इसको 2 घंटे में समझ में आ रहा है, इसको 3 घंटे में। हमारा जो मस्तिष्क है, भगवान सब कोई का अलग अलग दिए हैं ब्रेन, तो सबका काम करने का कैपेबिलिटी एक ही है, बट आपको आपके कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा। आपको इस बंदी की तरह समझना है तो आपको 4 घंटा देना होगा और आपको 2 घंटा, आप लोग भी उतना समझ सकते हैं, बट आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी होगी, कुछ चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी जाके आप वो चीज़ें कर सकते हैं। सेम है वैसा एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में कोई बंदा 45 पा जाता है, कोई बंदा 20 नहीं पाता है। इसका एक ही कारण है, इस बंदे ने लगन से पढ़ाई नहीं की थी, और जो 45 पाया है हो सकता है वो स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो पढ़ने में पहले से, प्लस उन्होंने थोड़ी सी 2 घंटा मेहनत कर ली, और ये इंटेलिजेंट नहीं है तो ये इन्होंने 1 घंटा मेहनत किया। यदि ये 2 घंटा इंटेलिजेंट वाले भाई साहब 45 मार्क्स लाते हैं तो ये 1 घंटा मेहनत करके 20 मार्क्स ला दिए तो समझिए बहुत है इनके लिए। यदि यही बंदा 3 घंटा मेहनत करे तो इनका भी 40 मार्क्स आएगा, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं आएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या होगा, उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन अच्छे से करना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा। देखिए, कोई कोई बंदा बोलता है मोटिवेशन नहीं है, क्या आपको खेलने के लिए मोटिवेशन कोई देता है, नहीं देता है। क्या आपको कोई चीज़ सिनेमा देखने के लिए कोई मोटिवेशन देता है, नहीं देता है। अपने फ्रेंड्स के साथ अड्डा मारने के लिए कोई मोटिवेशन देता है, नहीं देता है। तो आपको पढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन क्यों दे, पहला क्वेश्चन मेरा, वाई मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है। खेलने के लिए मोटिवेशन नहीं है, काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं है, अड्डा मारने सिनेमा घर जाने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो पढ़ने के लिए मोटिवेशन क्यों चाहिए, पहला सवाल मेरा ये बात है। तो आपको पढ़ने के लिए भी कोई मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है, हमेशा अपने एक एम रहना चाहिए, एक एम है, इस एम को, ये एम है नेवी, तो इस एम को पाने के लिए कोई मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है। अभी से करीब एग्ज़ाम्स में 1.5 से 2 महीने अभी भी मुझे लग रहा है बाकी है, तो आप लोगों को इस 1.5-2 महीने में पूरे सिलेबस को एकदम घोर कर चटनी बनाकर पी जाना है। आपके पास इनफ टाइमिंग है, इनफ, और मैंने जितना करा दिया वो भी इनफ है। यदि कोई बंदा उतना भी कवर कर ले तो उसके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कोई बड़ा बात नहीं है। तो आप लोगों को पढ़ना होगा। देखिए, मैंने 3 बार एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया वो भी बता देना चाहता हूँ। तो मैं जस्ट नेवी एमआर के लिए कम पढ़ता था, मुझे मैथ्स आती थी, मुझे 10+2 से मैथ साइंस से था, तो उसमें कोई दिक्कत थी नहीं साइंस में।
और जीके जो पढ़ता था, जीके में एसएसआर के लिए भी पढ़ता था, एमआर के लिए भी पढ़ता था, तो जीके जो कॉमन चीज़ है कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ो बात एक ही है, तो जीके मैं थोड़ा पढ़ता था, इसलिए मैं एग्ज़ाम्स आराम से क्वालिफाई कर जाता था। तो मुझे एक बार सिलेबस देखता था एमआर का, हाँ ये सब सिलेबस है साइंस का, चलिए एक बार सिलेबस उठाता था, हाँ एक सप्ताह में एक बार पूरा सिलेबस कवर कर दिया, फिर दूसरे सप्ताह में फिर एक बार सिलेबस कवर कर दिया, तो एग्ज़ाम आने तक दो तीन बार सिलेबस, चार बार तक रिवीजन अच्छा से कर लेता था, उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेता था, 700, 800, 900, 1000 जितना क्वेश्चंस हो कर लेता था। तो उसके बाद मैं एग्ज़ाम में बैठता था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, आराम से तीन बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, एमआर का भी एसएसआर का भी। तो आप लोगों को भी कराना चाहता हूँ, तो बट आप लोग जो है फोकस नहीं दे रहे हैं, किसी का तबीयत ख़राब हो गया है, देखिए तबीयत तो सबका ख़राब हो ही सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तबीयत नहीं ख़राब होगा, देखिए तबीयत सबका ख़राब होता है, 10 दिन 5 दिन रेस्ट लीजिए ना, 10 दिन भी रेस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले फिटनेस है, पहले अपना शरीर है, उसके बाद ही कुछ और है। तो आप 10 दिन रेस्ट लिए, ठीक है रेस्ट लेके फिर आप पढ़ने तो बैठिए, 10 दिन के बाद सर सिलेबस तो बहुत पीछे चल गया, क्या पता होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसके बारे में अरे फल देने वाले भगवान हैं, आपको मेहनत करना होगा, अभी से आप मत सोचिए कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, अभी से आपको माइंड में बस एक ही रखना है कि एग्ज़ाम क्लियर होगा, थिंक पॉजिटिव, यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तभी पॉजिटिव होती है, यदि आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो पॉजिटिव नहीं होगा। आप यदि अभी से गिव अप करेंगे कि एग्ज़ाम सर कैसे होगा क्या होगा, घर में काम रहता है ठीक है, यदि जितना भी काम रहता है 3 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं सुबह से रात तक, रात को पढ़िए, पर 2 महीने समय दीजिए पढ़ाई में, जिसका लास्ट चांस है वो तो मैं बोल रहा हूँ दो क्या, जब मन करे तब पढ़िए, पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए आपका आखिरी है समझिए, यही आपका लास्ट लक्ष्य है, इसको कैसे भी आपको प्राप्त करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाना है, और कोई चीज़ के बारे में नहीं सोचिए। कोई कोई बंदा रूम लेके अलग से पढ़ रहा है, थोड़ा उसका देखिए माइंड होना चाहिए पढ़ने का, तभी वो पढ़ सकता है, वरना अकेले रूम लेके वो मोबाइल भी दिन भर चला सकता है, बट आपको पढ़ना है, आपका जो फोकस होगा नेवी एमआर या एसएसआर जो भी फोकस है उसको प्राप्त कीजिए, उसको प्राप्त करने के लिए जी जान जो भी है लगा दीजिए, 2 महीना ही तो पढ़ना है, 2 साल थोड़ी ना पढ़ने बोल रहा हूँ, 2 महीना यदि 2-2, 3-3 घंटा करके आप पढ़ ले तो आपको एग्ज़ाम क्रैप करने से कोई नहीं रोक सकता, लिखवा के रख लीजिए, यदि अभी से 4 घंटा आप डेली पढ़ ले तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा कोई बंदा हो जो 4 घंटा डेली पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक ना किया हो तो वो लड़का यदि मुझसे भेंट करना चाहे तो भेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा कि आप में क्या खामियां थी, किस कारण आप पास नहीं हो पाए। एक स्मार्ट स्टडी होता है, 1 घंटा पढ़ के भी कोई लड़का क्वालिफाई कर सकता है, कोई 4 घंटा भी पढ़ के क्वालिफाई कर सकता है, स्मार्ट स्टडी होता है, उसको करना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ करवा चुका हूँ, यदि आप लोग उसको नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों के लिए, मैंने अब तक नेवी एमआर के लिए फिजिक्स का यानी सॉरी साइंस का पूरा सिलेबस ख़त्म करा चुका हूँ, एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर बाकी है, चैप्टर का नाम मुझे याद है, कल परसों में इसका वीडियो आने वाला है। तो देखिए मैंने एक एक चैप्टर्स आपके लिए कवर कराया है, यदि आप वो चैप्टर्स देखेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा, एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो एक बार पढ़ा हुआ तो कभी कुछ याद नहीं रहता है, मुझे भी नहीं रहता तो आपको भी नहीं रहता होगा। तो आपको उसको एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार 4 बार पढ़ लेना है, डेली जो जीके टेस्ट ला रहा हूँ आज करीब कम से कम 50 टेस्ट होने वाले हैं, तो समझिए 50 टेस्ट यानी 50 दिन यानी मतलब मैं 2 महीने से ज़्यादा आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, वैसा बहुत कम ही दिन गया है जब मैंने टेस्ट नहीं डाला हो, टेस्ट ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने टेस्ट नहीं डाला हूँ। तो मैं अपना रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ यदि आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ तो आप खुद को उस टाइम पे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते हैं डेली। कुछ बंदे प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छे हैं, कुछ भी दो प्रैक्टिस करके आंसर्स भेजते हैं, सर इतना मार्क्स मिला इतना मिला, वो देखिए वो एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स आया हो, पहले कुछ और थे अभी कितने इम्प्रूवमेंट आया हो। मैं आपको जो टेस्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो कोई आपके एग्ज़ाम लेवल से बाहर नहीं है, याद रखिए जो टेस्ट करवा रहा हूँ उसमें से 70% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में हूबहू देखने को मिलेगा और ज़रूर मिलेगा,
बट आप लोग यदि छोड़ के जा रहे हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारना कहा जाता है। रहा साइंस का प्रॉब्लम, तो साइंस में मैंने क्या करा दिया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लास फिनिश है। टॉप 500 लूसेंस ख़त्म करने वाला हूँ। कमर तो सीरीज में 400 क्वेश्चन बाकी है, 400 या कुछ 300, उस क्वेश्चंस को मैं ख़त्म करा दूंगा। तो टोटल देखिए 1000 क्वेश्चन यही हो गया, 500 लूसेंट एंड 500 कमर तोड़, तो आपका टोटल 1000 हो गया। देन 500 करवा रहा हूँ टेस्ट में, टेस्ट में भी 500 प्लस क्वेश्चन, टेस्ट में इन द फॉर्म ऑफ डेली टेस्ट जो होता है उसमें भी 500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपके 1500 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके अंदर ही से आएंगे। 1500 क्वेश्चन, मेन बात आप लोग क्या कर रहे हैं, एक बार पढ़ रहे हैं उसको कम से कम एक बार कोशिश कीजिए कि एक वीक में एक बार रिवाइज कर सके। आप यदि बैलेंस भरा रहे हैं 1.5 GB, तो 1.5 GB इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो डेली जैसे आपका जैसे 800 MB बचा है, तो आप डेली 2-3 घंटा वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं, उससे आपको नॉलेज ही मिलेगा। नॉलेज आपके अंदर और जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं। तो आप लोगों को वीडियो देखना चाहिए, जो मैंने कराया है उसको करना चाहिए। यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, नेवी MR कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, बट यदि आप ही इसको टफ बनाते हैं बिना पढ़ के जाइएगा, तो जो पढ़ा लिखा लड़का रहेगा उससे आपका वो आपसे ज़्यादा बेटर नंबर ला सकता है, तो कट ऑफ बढ़ सकता है। इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। मैथ्स के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैथ्स बुक लीजिए, बेसिक चीज़ देखिए, बेसिक से बेसिक अच्छा से बेसिक मजबूत कीजिए, फॉर्मूला एकदम याद रखिए, फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। और कुछ आर एस अग्रवाल का शुरू से का 20 से 40 सम्स कम से कम हर चैप्टर से आपको लगाना है, हर चैप्टर से 40 सम्स कम से कम आपको प्रैक्टिस करना है खुद पेन उठा के। बिना पेन उठाए मैथ्स नहीं होता है, पेन उठा के मैथ्स कीजिए तो ही आपका नंबर आएगा। मैथ्स प्रैक्टिस करना है आपको डेली, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा मैथ्स में ज़रूर देना है। मैथ्स जो है वो 12 मार्क्स का आता है, 12 में यदि आप 10 प्लस भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साइंस 13 मार्क्स का आता है, 13 में से कम 11 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, मेरा डायरेक्ट वीडियो से ही आने वाला है, 11 प्लस क्वेश्चन वीडियो से आएंगे। और GK 25 में कम से कम मेरा टारगेट है 22 प्लस क्वेश्चन मेरे वीडियो से आ जाए, 22 प्लस इतना टारगेट लेके चला हूँ। 22 प्लस नहीं आएगा तो 20 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे वीडियो से आएंगे। इसके बाद यदि आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो मतलब आपके प्रिपरेशन में कमी आई है, क्योंकि क्वेश्चन यदि आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है कि जो मैंने नहीं करवाया हो, या जो मैंने टेस्ट में नहीं करवाया हो ऐसा कोई भी, या जो मैंने GK के क्लासेस में नहीं करवाया हो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। ओनली करेंट अफेयर्स छोड़ के, करेंट अफेयर्स कोई बता नहीं सकता कि कैसा क्वेश्चन आएगा, बट वो भी मैं एग्ज़ाम्स के पहले आपके लिए पूरा कंप्लीट करवा दूंगा करेंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, बट वो एग्ज़ाम के ओनली पहले ही होगा, अभी से नहीं होगा। तो आप लोगों का अभी से भी यदि पढ़ने का मन ना हो तब भी पढ़िए, क्योंकि 2 महीना समय है दीजिए। तबीयत ख़राब मेरा भी होता है, आपका भी होता है, सबका होता है। मेरा तबीयत ख़राब था तब भी आपके लिए वीडियोस डालता था। तबीयत ख़राब है, बेड में लेटे लेटे आप वीडियोस देख सकते हैं फ़ोन से, 15-20 मिनट करके हर इंटरवल में 2 घंटे के बाद एक बार वीडियो देख सकते हैं फ़ोन लेके, तो उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फ़ोन से वीडियोस देखने से कोई तबीयत आपका ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं। तो 10-15 मिनट यदि फ्रेश रहना चाहते हैं तो देख सकते हैं। डेली मैं कम से कम शाम को 50 क्वेश्चन ग्रुप में देता हूँ, सुबह 25 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूँ, डेली 75 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो याद रखिए अभी से 75 क्वेश्चन डेली है, समझ लीजिए आपका कितना प्रिपरेशन हो जाएगा 30 दिन में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2250 क्वेश्चन का आसपास टोटल हो जाएगा, 2250 क्वेश्चन एक महीना में आप इतना कवर कर रहे हैं। तो इसके बाहर से क्वेश्चन आना असंभव है, संभव तो नहीं है, असंभव ही है इसके बाहर से क्वेश्चन आना, याद रखिए। बट आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, मोटिवेशन खुद को मोटिवेट खुद कीजिए। यदि आप खेलने के लिए खुद जाते हैं तो पढ़ने के लिए भी खुद आए, कोई ये ना बोले कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो मैं किसी का मन नहीं लगा सकता हूँ, मैं ओनली पढ़ाने के लिए हूँ, किसी का मन नहीं लगा सकता हूँ। आप बाकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझको मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में, मैं आपको हमेशा रिप्लाई देता हूँ, ऐसा कोई भी बंदा नहीं बोल सकता
सकती हूँ उससे कोई भी रिलेटेड। यदि आपको कोई सम्स भी ना बनता हो मैथ्स में तो आप मुझको भेज सकते हैं, इफ़ मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो उसको आपको सॉल्व करके ज़रूर दूंगा। जो सॉल्वेबल सवाल रहेंगे ने भी एमर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैंने मैथ्स बहुत दिन से नहीं किया था, भी मैं आपको मैथ्स सॉल्व करके दे सकता हूँ, तो उसको भेज सकते हैं। मैं जब टाइम भी मिले तो आपको सॉल्व करके ज़रूर भेज दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।